फैशन तो हमारा सेकंड नेचर होता है, क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग फैशन को फॉलो करें और फैशन ट्रेंड्स को भी फॉलो करें जितना हो सके। और मैं ये भी मानता हूँ कि जो आप सही समझते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो या कॉन्फिडेंट फील करते हो, वो आपका खुद का फैशन बन जाता है और उसको आप एक ट्रेंड भी बना सकते हो एक एग्जाम्पल सेट करके। मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे ये कॉज बड़ा ही अच्छा लगा और बड़ा ही नेक लगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम जाने कि हमारे जो कपड़े हैं वो कहाँ से आते हैं और कौन बनाते हैं और किस देश से आता है और कौन से फैक्ट्री से आता है, कौन सी कंपनी से आता है। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि इसकी जड़ कहाँ है और इसका ओरिजिन कहाँ है और किस हालात और किस तरह से ये कपड़े बन रहे हैं। तो ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए, और क्योंकि हम लोग एक ज़िम्मेदार सिटीज़न है तो बहुत ज़रूरी बनता है कि हम इस
कॉज को थोड़ा सा सीरियसली लें और इसकी इसकी जानकारी पाएँ। इससे पहले आपने ऐसे कुछ सोचा था कि इस तरह का भी कोई इनिशिएटिव हो सकता है या फिर? नहीं, मतलब ये मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे इस इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी नेक लगा और काफ़ी ज़रूरी लगा, क्योंकि इसका जड़ ढूंढने बहुत बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो हमारे वर्कर्स हैं जो अनेक फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, किन हालातों में काम करते हैं और कैसे काम करते हैं, क्या वो अंडर पेड हैं, कि वो उनका जो जो वेजेस है क्या वो सही है उनके काम करने के मुकाबले में, तो ये सब सवाल सारे सवाल पूछना ज़रूरी है हमारे लिए। Right now, I'm just here to talk about fashion revolution, so let's talk only about that. And a few key points to remember that are very India relevant. We have massive water issues in India. The textile industry is responsible for a lot of water waste. 80% of our garment workers are women. There are huge gender empowerment campaigns that we're working on for the future. We are speaking to government leaders. We are producing transparency indexes for brands. And like I said, over 1,000 brands have joined us. We are in 92 different countries. We don't want any more industrial textile disasters. We don't want factories collapsing. We have a responsibility and a duty to care for our workers. And if fashion is our second skin, shouldn't we be proud of what we put on our second skin? Shouldn't it come from a source that we can proudly say was made with love and with fair working conditions? Absolutely. No, I think it's important to raise the awareness, especially in India. It's a great initiative, and I think we all need to be aware of, you know, who did make our clothes, and for Fair Trade Week as well in India this week. So I think it's great that we're supporting this initiative. Thank you. नहीं, बस मैं यही कहूँगा कि ये ये पूछना ज़रूरी है कि हमारे कपड़े कहाँ से आते हैं और किन हालातों में और कैसे और कौन लोग हैं जो बनाते हैं और क्या वो खुश है अपने काम से और उनको जो वेजेस मिलते हैं क्या उनके रोज़ाना के लिए जो उनके काम जिस तरह से जितना काम करते हैं उसके मुकाबले क्या वो सही है, क्या उनके साथ कुछ मतलब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ये सब जानना ज़रूरी है हमारे लिए। थैंक यू। Thank you.